वास्तु दोष के कारण होती है कौन सी बीमारी? वास्तु दोष से जुड़े उपाय क्या कहते हैं? जानलेवा बीमारी से बचने के लिए क्या करें क्या नहीं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वास्तु दोष के कारण कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। कहा जाता है कि सेहत है आपका जीवन सुख से बीत जाएगा। सभी सेहतमंद जीवन जीने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं, बावजूद इसके कि कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई रोग आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को घेरे ही रहता है। डॉक्टर के चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का हल समझ में नहीं आता। क्या आप जानते हैं, कई बार आपके रोग का कारण आपके घर के वास्तु से होता है। घर में वास्तु दोष होने से वहाँ रहने वाले लोग बीमार पड़ते हैं पड़ सकते हैं। वास्तु के कुछ नियमों का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो घर में रहने वाले सभी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आइए, हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि वास्तु ठीक कर जीवन को स्वस्थ, सुंदर और उत्तम बनाने का सुंदर टिप्स। वास्तुशास्त्र में पूर्व तथा उत्तर दिशा का हल्का और नीचे होना तथा दक्षिण एवं पश्चिम दिशा का भारी एवं ऊंचा होना अच्छा माना गया है। यदि पूर्व दिशा में भारी निर्माण हो तथा पश्चिम दिशा एकदम खाली एवं निर्माण रहित हो तो अनिद्रा का शिकार होना पड़ता है। उत्तर दिशा में भारी निर्माण हो परंतु दक्षिण और पश्चिम दिशा निर्माण रहित हो तो ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है। अनिद्रा से आपको कई तरह की बीमारियां घेर सकती हैं, तो इस वास्तु का ध्यान रखकर आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। गृह स्वामी अग्निकोण या वायव्य कोण में शयन करें तथा उत्तर में सिर एवं दक्षिण में पैर करके सोएं, तब भी अनिद्रा या बेचैनी, सिरदर्द और चक्कर जैसी परेशानियां हो सकती हैं, जिसके कारण दिन भर थकान की समस्या हो सकती है। धन आगमन और स्वास्थ्य की दृष्टि से दक्षिण या पूर्व की ओर पैर करना अच्छा माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार या हल्की चार दीवारी अथवा खाली जगह होना शुभ नहीं है। ऐसा होने से हार्ट अटैक, लकवा, हड्डी एवं स्नायु रोग संभव है। अतः यहाँ प्रवेश द्वार या खाली जगह छोड़ने से बचना चाहिए। रसोई घर में भोजन बनाते समय यदि गृहिणी का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो तो त्वचा एवं हड्डी के रोग हो सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन पकाने से पैरों में दर्द की संभावना बनी रहती है। इसी तरह पश्चिम की ओर मुख करके खाना पकाने से आँख, नाक एवं गले की समस्याएं हो सकती हैं। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके रसोई में भोजन बनाना स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है। दीवारों पर रंग रोगन भी ध्यान से करवाना चाहिए। काला या गहरा नीला रंग वायु रोग, पेट गैस, हाथ पैरों में दर्द, नारंगी या पीला रंग ब्लड प्रेशर, गहरा लाल रंग रक्त विकार या दुर्घटना का कारण बन सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दीवारों पर दिशा के अनुरूप हल्के एवं सात्विक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ध्यान रहे कि आपके भवन की दीवारें एकदम सही सलामत हों, उनमें कहीं भी दरार या रंग रोगन उड़ा हुआ या फिर दाग धब्बे आदि न हो, वरना वहाँ रहने वाले लोगों में जोड़ों का दर्द, गठिया, कमर दर्द, साइटिका जैसे समस्याएं हो सकती हैं, परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने घर में वास्तु के अनुरूप यह सब चीज़ व्यवस्थित करें और जीवन को सुगम, सुंदर और उत्तम बनाएं। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।